हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोग को, आप इसको 3-in-1 हेयर कट बोल सकते हो, स्ट्रेट हेयर कट, 3-स्टेप हेयर कट, मल्टी लेयर हेयर कट एंड एडवांस लेयर हेयर कट। इस तरीके से मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है सारे हेयर कट में, तो किस तरीके से किया वो आप वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। और फाइनल लुक एंड में, पूरा एंड में है, तो जरूर देखिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है आप लोगों ने। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप देख सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है फ्लोर पे गिरे हुए हेयर, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लेंथ इनकी कट हुई है। और बाकी इस टाइप के हेयर थे, पूरे हेयर तो मुँह हो गए थे और अजीब से रूखे रूखे से, मतलब कोई शाइनिंग नहीं था। तो कटिंग करने के बाद काफ़ी अच्छा शाइन आ गया। तो फाइनल लुक देखने के लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मैं जैसा कि हर वीडियो में बोलती हूँ, बालों को अच्छे से गीला करके ही कटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये कितने बेकार डैमेज से हेयर हैं, तो इनकी लेंथ भी 7 से 8 इंच तक निकालूंगी मैं यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से पहले पूरे बालों को गीला करके और अच्छे से सुलझा लेना है। इनके बाल बहुत ज़्यादा उलझे उलझे से हैं, अब रफ है, अजीब ड्राई से हैं। इस टाइप के हेयर हैं, हेयर हों तो आप प्लीज़ कस्टमर को एडवाइस दीजिए कि वो सीरम लगाएं बालों में या फिर कंडीशनर। तो इस तरीके से पहले अच्छे से बालों को सुलझा लेंगे गीले करके। उसके बाद से आपको बीच से मिडिल पार्टिंग करनी है बालों की, ताकि हमको स्ट्रेट कट भी करना है ना, तो स्ट्रेट कट के लिए बीच से मिडिल पार्टिंग करनी पड़ती है। तो चलते हैं मिडिल पार्टिंग कर लेते हैं अच्छे से सुलझाने के बाद से। जब तक आपका हेयर सुलझ ना जाए अच्छे से, एक भी टेंगल ना रहे, तब तक आप इसको सुलझाइए। ओके, अभी करेंगे हम लोग मिडिल पार्टिंग। देन जितनी लेंथ हमको इनकी निकालनी है उतना हम लोग निकाल देंगे। तो हमको इनका इतना लेंथ निकालना है जहाँ पे मैं अपने फिंगर रखी हुई हूँ। तो चलिए कट करके दिखा देते हैं। ओके, तो इस टाइप से स्ट्रेट कट पहले कर लेंगे हेयर को। फिंगर में स्ट्रेट पकड़ेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट कट कर लेंगे। तो ये देखिए, आराम आराम से कट कीजिए, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना। इतने हेयर कट हो गए हैं आप देख सकते हैं। तो अभी इनका स्ट्रेट कट हो गया, फिर भी हम लोग एक बार कॉम करके चेक कर लेंगे, कहीं से भी ऊपर नीचे होगा तो आप उसको इक्वल कर लीजिए कट करके। तो इस तरीके से फिंगर की हेल्प से जो ऊपर नीचे दिख रहा है मुझे, मैं उसको कट कर लूँगी। ओके, चेक कर करके। मैं इनको यहाँ पे स्टेप कट, फुल स्टेप कट दूंगी। एडवांस लेयर भी आप इसको बोल सकते हो और मल्टी स्टेप भी बोल सकते हो। तो ये स्ट्रेट कट कंप्लीट हो गया है। अभी चलते हैं हम लोग इनकी ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे हेयर की, अच्छे से चेक कर लीजिए। अभी इनकी ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे। तो ये हमारा नीचे का स्टेप हो गया और ये क्राउन एरिया के हेयर्स को फिर अलग करेंगे और फिर से ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे। सबसे ऊपर वाला स्टेप लेंगे, बीच के हेयर्स को छोड़ देंगे और ऊपर के स्टेप को लेंगे और एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे लेके जाना है कॉम करते हुए इसको। ओके, बहुत ही प्यारा कट आएगा, आप देखते रहिए वीडियो। तो इस तरीके से कॉम करते हुए एकदम 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ हेयर को लेके जाना है और जहाँ से हमको स्टेप स्टार्ट करना है वहाँ से कटिंग करेंगे। यहाँ से को आप दोबारा नीचे लाके भी कट कर सकते हो। तो इस तरीके से इसमें सीजर को स्ट्रेट करके कट लगा दीजिए ताकि आपका लेयर अच्छे से आए। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर कंप्लीट हो गया। बीच के हेयर को दोबारा से इस तरीके से कट करना है। आपको मिडल से पार्टिंग लेनी है
ओके। और इसको हेयर को पूरा 90 डिग्री पे ऊपर लेके जाएंगे। और हमारा जो नीचे का कट था और जो ऊपर का कट था उसको मिक्स करेंगे। ये देखिए नीचे का कट है, ये ऊपर का, और जो बीच के हेयर हैं उनको कट कर देंगे। ओके, आपको लगेगा कि आपकी लेंथ जा रही है लेकिन आपका लेंथ नहीं जाएगा, आपका लेंथ उतना ही रहेगा। और ये आपका स्टेप आ जाएगा बहुत अच्छे से। अब दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से कट करना है। स्ट्रेट कॉम करते हुए लेके जाएंगे। और सेम उसी प्रोसेस में गाइडलाइन ऊपर का और नीचे का पता है हमको, और बीच के हेयर को कट कर देना है। ओके, वो भी हम लोग अच्छे से कॉम करके चेक कर लेंगे कि पूरा स्टेप अच्छे से आया है कि नहीं, अभी फिनिशिंग देना भी बाकी है। तो यहाँ से बीच से हेयर को थोड़े से लेंगे और दोबारा से स्टेप लगाएंगे ताकि बीच में भी अच्छे से स्टेप दिखे हमारा। इसको स्ट्रेट ऊपर की तरफ कॉम करते हुए लेके जाएंगे 90 डिग्री पे, और इस तरीके से कट कर देंगे। अगर आप ये वाला कट किसी को देना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि उनके बाल काफ़ी घने हों। घने बालों पे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। शॉर्ट मतलब पतले भी हल्के भी बाल हैं तो ये आप कट कर सकते हो, बट उनको हमेशा सेट करके रखना पड़ता है जैसे ड्रायर वगैरह लगा के। तो ये कंप्लीट हो गई है फिनिशिंग। हम लोग थोड़ा थोड़ा टचअप कर देते हैं यू शेप में। तो अभी मैं इनका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इनका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आया है। इतना प्यारा कट आया है, अभी पूरा फाइनल लुक मैं अभी अच्छे से दिखा देती हूँ। आप इसको क्लच करोगे तो भी बहुत प्यारा लगेगा, पोनी बनाओगे तो भी बहुत प्यारा लगेगा, और आप ओपन छोड़ोगे तो भी बहुत प्यारा लगेगा। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा कट आया था। और ये हैं फ्लोर पे गिरे हुए हेयर्स, इतने ज़्यादा हेयर इनके कट हुए थे। और इनका फाइनल लुक यहाँ पे है, ये देखिए कितना प्यारा हेयर कट आया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब। तो कैसी लगी हेयर कट, अच्छी लगी ना? अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करो यार, और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।